419 साल से चार मीनार हैदराबाद की पहचान रही है। मोहम्मद कबली कुतुब शाह ने इसे साल 1591 में बनवाया था। दरअसल उनके राज में प्लेग की बीमारी फैली थी और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अगर ये प्लेग की बीमारी दूर हो जाए तो वे शानदार और यादगार इमारत बनाएंगे और इससे बनी हैदराबाद की पहचान। लेकिन शहर में कुछ ऐसा भी है जिससे न सिर्फ हैदराबाद की बल्कि भारत की पहचान बन रही है। पहली नज़र में आपको इमारत कोई फैक्ट्री लग सकती है। हाँ, एक तरह की फैक्ट्री ही है, बैडमिंटन की फैक्ट्री। यहाँ तैयार होते हैं चैंपियन और यहाँ का पहला ही प्रोडक्ट ऐसा निकला जो पूरी दुनिया पर छा गया। सुबह के 7:29 हुए हैं। अब से बस एक मिनट बाद आपकी मुलाकात उस चैंपियन से हो जाएगी जिससे हम आपको मिलाने आए हैं। और आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ। बैडमिंटन की दुनिया की नई सनसनी सायना नेहवाल, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3। इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद पैर जमीन पर। बैडमिंटन के सिवा किसी चीज के लिए वक्त नहीं। प्रैक्टिस में एक मिनट की देरी भी गवारा नहीं। आपकी घड़ी गलत हो सकती है लेकिन सायना की टाइमिंग नहीं। ठीक 7:30 शुरू हो जाती है सायना नेहवाल की ट्रेनिंग। बाकी खिलाड़ी जहाँ 8:30 यहाँ पहुँचते हैं, वहीं सायना उनसे 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच जाती हैं और बिना एक पल गंवाए कोर्ट की ओर बढ़ जाती हैं। सायना को वार्मअप के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। उन्हें मानो कोर्ट पर पहुँचने की बेचैनी होती है। सुबह 7:35 पर सायना अपने कोच पी गोपीचंद के साथ अभ्यास शुरू कर चुकी होती है। इतनी एकाग्रता, इतनी तन्मयता, इतनी मेहनत और इतनी लगन कुछ ही खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। हमें भी इस शर्त पर यहाँ आने की इजाजत मिली कि अभ्यास में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। I was lucky enough to get all good coaches at the right time. और अब 2004 के बाद जब गोपी सर ने मुझे अपने अंडर लिया तो जो ट्रेनिंग उन्होंने मुझे करवाई टोटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थी। और उन्होंने ये ही मेड श्योर कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा डिसिप्लिन रहूं ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कर सकूं, क्योंकि आई हैड दी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वेल इंटरनेशनल लेवल। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस दिया जाए। और आई थिंक दैट रियली वर्क्ड वेरी गुड विद मी। और सबसे बड़ी बात, भारत में दूसरे खेलों के कोच जहां कोच कम मैनेजर ज्यादा हैं, वहीं गोपी चंद कोर्ट पर लगातार उतनी ही एकाग्रता से अभ्यास कराते हैं जितनी सायना करती हैं। कोच अगर खुद टॉप क्लास खिलाड़ी रहा हो तभी ये संभव है। जो मिस्टेक्स हमने देखा है प्लेयर्स में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे थे अभी के, उस पर काम हो रहा है। और ध्यान है कि लंबा टूर्नामेंट है जो टीम चैंपियनशिप पहले है, उसके बाद जो इंडिविजुअल प्रतियोगिता है, दोनों में अच्छा करने की उम्मीद लगे और प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। अगर देखा गया तो जैसे साइना के लिए उसका जो फोरहैंड काम है जो उसके ऊपर काम हो रहा है और जो डिफेंस के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। करीब 2 घंटे चलता है साइना का पहला प्रैक्टिस सेशन लगातार और बिना रुके हुए। वे अपने कोच गोपीचंद के साथ ही अभ्यास में जुटी रहती हैं। लेकिन ये सबसे कठिन सत्र नहीं है सायना के अभ्यास का, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 9:30 हैं। सायना अपनी ट्रेनिंग का पहला सत्र खत्म कर यहाँ एकेडमी के कैफेटेरिया में हैं। चैंपियन क्या खाते हैं, आपकी तरह हमारी भी दिलचस्पी ये जानने में कम नहीं थी। सायना ने यहाँ फ्रूट्स लिए, थोड़ा पोहा खाया और दूध लिया। सायना की एनर्जी का सीक्रेट आपने जान लिया। खाने की बात चली है तो जानते हैं कि चैंपियन का लंच कैसा होता है। आमतौर पर सायना लंच में दाल, चपाती, चिकन और खूब सारी सब्जियां लेती हैं। डिनर भी कुछ ऐसा ही होता है।